देश में चल रही राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को लेकर हर प्रदेश में विशेष तैयारियां की जा रही है। उसी कड़ी के दौरान पूर्व मुख्यमंत्री राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह बुरहानपुर भ्रमण के दौरान नगर में इंदिरा गांधी जयंती के आयोजन में सम्मिलित हुए दिग्गी राजा ने आयोजन की शुरुआत माल्यार्पण करके की भारत जोड़ो यात्रा का मुख्य उद्देश्य असमानता को दूर करना एवं एकता की भावना लाना बताया। डॉ ओम प्रकाश पटेल, मनोज होलानी, बंटू गुर्जर साथ मौजूद रहे। नगर कांग्रेस अध्यक्ष विजय सिंह गौड़ ने मां नर्मदा मैया की प्रतिमा भेंट कर उनका स्वागत किया। कांग्रेसी नेता मैं वहीद खां, सदर मनोज राय, बाबूलाल गुर्जर, कपिल पटेल सभी मौजूद थे। राहुल गांधी जी पैदल चल रहे हैं, क्यों निकाली जा रही है? इसके तीन कारण हैं। पहला, आर्थिक। क्या मोदी जी के राज में गरीब और गरीब नहीं हो गया, अमीर और अमीर नहीं हो गया, महंगाई नहीं बढ़ गई, बेरोजगारी नहीं बढ़ गई? जो असमानता हो रही है उसको कम करने के लिए हमें बदलाव की आवश्यकता है। दूसरा है, ये नफरत फैलाया जा रही है, धार्मिक के आधार पर हिंसा फैलाई जा रही है, जात धर्म के ऊपर संघर्ष किया जा रहा है, इसका हम लोग विरोध करते हैं। और आखिरी में, भारतीय संविधान में जो गरीबों के प्रति जो उसमें उल्लेख है, उसमें भी बदलाव लाने का ये प्रयास कर रहे हैं। इसलिए ये भारत जोड़ो यात्रा निकाली जा रही है, क्योंकि अनेकता में एकता ही भारत का एक स्वरूप है और यही हमारी सबसे बड़ी शक्ति भी। जात धर्म को अलग करो, नफरत छोड़ो, भारत जोड़ो। धन्यवाद।